गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्फाईएएस। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 64, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बात आपको बता दें कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 2011 का, किसका 2011 का मतलब अभी की बात है, रिसेंटली इसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया है और प्रोटेक्शन दिया है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए इसके चलते क्या रखा गया है कि कुछ तीन जो है वो ऐसी चेंजेस करे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि पहला चेंज ये है कि इसने जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। दूसरी बात ये कि इसमें आपका जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक डाल दिया गया है। इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है हमारे डीपीएसपी में कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डाल दिया गया है, जो कि आर्टिकल 43B के अंदर आ रहा है ना। डीपीएसपी होते हैं ना स्टेट को, उसको ध्यान रखना चाहिए कोई पॉलिसी बना रही है तो उसमें एक ये भी डाल दिया गया है 43B, जिसमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन करना है। तीसरी बात, इसने एक तीसरा पार्ट 9B जो है यहाँ पे ऐड करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एंटाइटल करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल नंबर 243ZH से लेके आर्टिकल नंबर 243ZT तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए एक चीज यहाँ समझिएगा, जो पार्ट 9B है, पार्ट 9 ठीक है और पार्ट 9B जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ प्रोविजन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके। जैसे कि सबसे पहला आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो उसके लिए ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, रेगुलेशन या फिर वाइंड अप करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो कि बेस्ड होगा आपके प्रिंसिपल्स पे, जो कि वॉलंटरी फॉर्मेशन के होगा या आपका डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल हो गया, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो गया है ना, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग हो गई, किसी भी तरह का ऐसा। दूसरी बात क्या कि नंबर और टर्म क्या होगा मेंबर्स का, बोर्ड का और उसके ऑफिस बेयरर्स का। तो बोर्ड जो है इसमें आपके जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर चाहे, कौन चाहे, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे, बट जो मैक्सिमम नंबर होंगे यहाँ पे डायरेक्टर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो 21 से ऊपर बाबा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे लेकिन डायरेक्टर 21 से ऊपर नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड कर सकती है, रिजर्वेशन वगैरह दे सकती है ना, एक सीट पे दे सकती है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को, या दो सीट पे दे सकती है औरतों को, है ना, ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें आपका मेंबर्स होते हैं ऐसे किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन से। उसके बाद जो टर्म है ऑफिस का, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स के टर्म है ऑफिस का इस बोर्ड पे और उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो 4 साल का होगा। ठीक है, 4 साल का होगा, जब से ये चुने गए हैं तब से लेके 4 साल का होगा। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे प्रोविजंस भी बना सकती है कि भैया को ऑप्शन है पर्सन के पास में, है ना, जिनका एक्सपीरियंस है आपका बैंकिंग मैनेजमेंट फाइनेंस या फिर स्पेशलाइजेशन के फील्ड में या कोई भी दूसरी ऐसी मिलीजुली फील्ड में, ठीक है, एज मेंबर्स ऑफ फाइनेंस, सॉरी एज मेंबर्स ऑफ बोर्ड। बट यहाँ पे जो ऐसे जो को ऑप्ट मेंबर्स होंगे, है ना, इसमें 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब 21 वो वाले हो गए, 21 के साथ 2 से ज्यादा ये नहीं हो सकते। आगे बताऊं तो जो कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं इनमें आपका जो है इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा किसी भी इलेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, और ना ही बाबा देखो ये एलिजिबल होंगे इलेक्ट करने के तौर पे एक ऑफिस बेरर के तौर पे बोर्ड के। जो फंक्शनल डायरेक्टर वगैरह हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये भी मेंबर बन सकते हैं बोर्ड के, है ना, और ऐसे मेंबर्स जो है इसमें आपका जो है वो पर्पस जो है इनका जो डायरेक्टर्स वगैरह के काउंट करने का 21 के सिवा ये नहीं यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन को लेके मेंबर्स के बोर्ड के, तो देखिए जो आपका ये जो बोर्ड का एक्सपायर टर्म होने से पहले यहाँ इलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है, है ना, जैसे कि भाई टर्म होने वाला है, खत्म होने वाला है 4 साल का, उसके पहले बोल लो इलेक्शन कर लो, है ना, और नए मेंबर जो है वो तुरंत ही जो है वो तब से जैसे एक्सपायरी होगी पुराने वाले टर्म की, फटाक से जो है नए वाले मेंबर यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, है ना। और जो सब सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और जो कंट्रोल होता है ना इलेक्टोरल रोल्स का या इलेक्शन वगैरह जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, ये ऐसी बॉडी के हाथ में होते हैं जैसा भी स्टेट लेजिस्लेचर चाहती है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में जो चाहे वो यहाँ पे कंडक्ट कराएगा इलेक्शंस को। उसके बाद सुपर सेशन बताएं या फिर सस्पेंशन बताएं बोर्ड का या इंटरिम मैनेजमेंट का। तो देखिए कोई भी बोर्ड यहाँ पे सुपर सीड नहीं करता या जो है वो सस्पेंशन में नहीं रखा जाता फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ 6 महीने से ऊपर कोई भी बोर्ड यहाँ पर सुपर सीड या फिर सुपर सस्पेंशन के अंदर नहीं रखा जाता है।
बोर्ड जो है वो सुपर सीट या फिर सस्पेंशन के अंदर रखा जाता है, अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट आ गया या फिर कोई क्या कहते हैं नेग्लिजेंस है ड्यूटी को परफॉर्म करने में, सही से ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी गई, या कोई भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट जो सोसाइटी में हार्म कर रहा हो ऐसा कुछ काम कर दिया, या फिर जो है कोई स्टेटमेंट है इसमें कंसल्टेशन या फिर फंक्शंस हैं बोर्ड के, है ना, या फिर कोई कह सकते हो आप इलेक्शन बॉडी है जो फेल हो गई है ऐसे इलेक्शन को कंडक्ट करने में, है ना, प्रोविजन के साथ स्टेट एक्ट की। हालांकि बोर्ड देखिए किसी भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यहाँ पे सुपरसीड नहीं होगा या सस्पेंशन में नहीं रखा जाएगा जब जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग नहीं होती, या फिर लोन नहीं होता, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होता, या फिर कोई गारंटी नहीं होती गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सुपर सेशन हो रहा है बोर्ड का, तो यहाँ पे क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी बंदा अपॉइंट करा जाएगा ना इसको सुपर सीट मैनेजर मैनेज करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये यहाँ पे जो भी इलेक्शन के कंडक्ट है ना जो भी लेके है वो यहाँ पे ये देखेगा। ठीक है, और कितने 6 महीने के भीतर ही देखेगा, है ना, और ये फिर उसके बाद सब देखने रखने के बाद ये इलेक्शन बोर्ड को सब कुछ हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद ऑडिट की बताएं, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे मेन हाथ में उसके ही है, तो यहाँ पे वही प्रोविजन वगैरह बना सकती है कि भाई कैसे मेंटेन करोगे, कैसे क्या करोगे इसका। ठीक है, जैसे अकाउंट वगैरह एक बार फाइनेंशियल ईयर में आप बनाओगे ही बनाओगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑडिटर्स वगैरह की ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है क्या होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, है ना, कैसे ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होती हैं, और हर एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पे एक ऑडिटर तो उसमें करता ही है ना, मतलब आप समझ जो उसको अपॉइंट करता है। अकाउंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं ये हर 6 महीने के भीतर जो है यहाँ पे बहुत जो है ज़रूरी है कि ये ऑडिट हो जाए, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके 6 महीने के भीतर यहाँ काम हो जाए। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट अकाउंट वगैरह की जो है ये रखी जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, वही उसी का सब कुछ हाथ है तो उसी के सामने रखी जाती है। उसके बाद बताएं कन्वेइंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग्स वगैरह, तो देखिए यहाँ पे जो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पे इसको 6 महीनों के भीतर जो है फाइनेंशियल ईयर के पास के 6 महीनों के भीतर यहाँ पे मीटिंग करना, एनुअल जनरल मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और जो मेंबर का राइट होता है इन्फॉर्मेशन पाने का। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रोवाइड कर सकती है कि हर एक मेंबर जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, ठीक है, उसको बुक इन्फॉर्मेशन अकाउंट वगैरह सोसाइटी की दे सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ प्रोवाइड करती है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को। उसके बाद रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे रिटर्न फाइल जरूर करती है 6 महीने के भीतर क्लोज टू एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और किसको देती है, किसी भी अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट की हो। ठीक है, जो ये सारे रिटर्न है इसमें यहाँ पे कुछ मैटर आते हैं जैसे कि एनुअल रिपोर्ट उसकी एक्टिविटीज़ की, है ना, उसका ऑडिटेड स्टेटमेंट अकाउंट्स का, प्लान वगैरह सरप्लस डिस्पोजल के लिए, जैसे भी उसकी जो जनरल बॉडी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वो चाहे अमेंडमेंट कैसे होंगे, है ना, टू द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, या डिक्लेरेशन डेट को लेके होल्डिंग की, उसके जनरल बॉडी की मीटिंग की, या फिर उसके इलेक्शन की, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी रजिस्टर्ड हो, है ना, किसी भी प्रोविजंस को लेके स्टेट एक्ट के। उसके बाद ऑफेंसेस और पेनाल्टीज बता दूं, तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रोविजन बना सकती है यहाँ पे ऑफेंसेस जो कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है ना, इसमें कुछ जो है लॉ इंक्लूड होते हैं ओमिशन या फिर कमीशन के, जैसे कुछ एक्ट्स या ऑफेंसेस में जैसे कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने मन से जो है कोई फॉल्स रिटर्न कर देती है या फर्निश कर देती है कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, या फिर कोई पर्सन जो है वो जानबूझ के डिसोबे करता है किसी भी समन को या रिक्वेजिशन को, या फिर कोई ऑर्डर को जो स्टेट ने जो है इशू करा, या फिर कोई पर्सन जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ले, है ना, कोई जानबूझ के अपनी मर्जी से हैंड ओवर कर दे कोई बुक्स की, अकाउंट्स की, डॉक्यूमेंट की, कैश सिक्योरिटी वगैरह की कस्टडी, है ना, और मतलब एक एम्प्लॉयर हु विदाउट सफिशियंट कॉज यहाँ पे ना कर पाए आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वो अमाउंट जो कि डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉय के से विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन है टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब यहाँ पे जो प्रोविजन है इस पार्ट में ये है कि मतलब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे भी लागू होगी, है ना, मॉडिफिकेशन वगैरह को लेके, कि कोई भी रेफरेंस जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का है, स्टेट एक्ट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, ये यहाँ पे कंस्टिट्यूट होगा एज रेफरेंस टू द पार्लियामेंट। ठीक है, कैसे बनेगा, सेंट्रल एक्ट को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह को लेके, पार्लियामेंट को लेके, है ना। और एप्लीकेशन टू यूटीज बता दूं, यूनियन टेरेटरीज को लेके, तो इस पार्ट में प्रोविजन ये है कि मतलब ये पार्ट यहाँ पे अप्लाई करता है यूनियन टेरेटरीज के लिए, है ना, बट यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रोविजन है इस पार्ट की ये किसी यूटी पे स्पेसिफाई लगेगी नहीं लगेगी, है ना, तो
ये, और जो बाकी जो पुराने वाले लॉज हैं उनके अगर कॉन्टिन्यूंस की बात अगर मैं समझाऊं तो देखिए, कोई भी प्रोविजन है ना किसी भी लॉ का जो कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है ना इन अ स्टेट, ये सामने रखी जाती है, मतलब सारी बातें जो है, फिर समझिए, कोई भी प्रोविजन किसी भी लॉ का जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, इन फोर्स इन अ स्टेट इमिजिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपका ये आपका 97th जो अमेंडमेंट था 2011 वाला, उसके पहले अगर कोई भी लॉ चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके, है ना, जो कि भी चल रहा है प्रोविजन के साथ में इस पार्ट की, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक के लिए अमेंड या रिपील ना करा जाए, या तो जब तक के लिए जो है वो 1 साल ना पूरा हो जाए ऐसे किसी कमेंसमेंट से, ठीक है, जो भी पहले आएगा वैसा काम हो जाएगा। अब कुछ रीजंस के बारे में बता दूं अगर मैं, 97th अमेंडमेंट क्यों लाया गया, तो देखिए सालों साल से हम देख रहे थे, समझिएगा ठीक है, थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन पे मत जाइएगा, ऐसे समझिएगा कि देखिए सालों साल से हम देख रहे थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने काफी ज्यादा कई सारे सेक्टर्स में जो है इकोनॉमी के हिस्सा लिया है, काफी ग्रोथ दी है ना, बस यहाँ पे क्या है कि इनके इंटरेस्ट वगैरह को सेफगार्ड नहीं कर पा रहे थे, तो भाई यहाँ पे बहुत जरूरी था कि एक लॉ लाएं यहाँ पे इनके इंटरेस्ट को ताकि सेफगार्ड करें, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे भारत के हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करेगी, है ना, गरीब लोगों की मदद करे ऐसा कुछ। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हैं एक सब्जेक्ट है जो कि आपका एंट्री 32 में स्टेट के रखा गया है, स्टेट लिस्ट होती है ना, है ना, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट में यहाँ पे एंट्री 32 में रखा गया है 7th शेड्यूल के। और इसके हिसाब से क्या है कि मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इनैक्ट करिए, लेजिस्लेचर यहाँ पे इनैक्ट करे इसको, और फ्रेमवर्क जो हो उसमें स्टेट एक्ट का हो, बढ़ावा दें, ग्रोथ करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इनकी क्वालिटी इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया बनाया जाए, ठीक है, जरूरत वगैरह जो भी रिफॉर्म में हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट की वो यहाँ पे करे जाए टाइम टू टाइम, है ना, समझ रहे हैं आप बात को। और तीसरी बात ये कि भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने भी बात कही थी कि देखो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमारे भारत में चाहते हो बढ़िया फंक्शन करना, ठीक है, तो भैया तुम्हें इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और अगर ये डेमोक्रेटिक बढ़िया काम करे, प्रोफेशनल ऑटोनोमस इकोनॉमिकली साउंड मैनर में इसका काम करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि भैया देखो ये माना गया था कि जो ये जो प्रोविजंस हैं इसकी 97th अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है, ये ना ही सिर्फ जो है इसको सिक्योर करेंगी बट ये भी करेंगे कि भैया अकाउंटेबिलिटी इसकी बढ़िया हो, कोई वायलेशन ना हो, मैनेजमेंट एकदम तगड़े से हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, यही मेरी सबसे ज्यादा मोटिवेशन चीज है, और शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को सिर्फ आईएएस को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, और अपने प्यारे व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, दे आर जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड ये फेसबुक है, आप यहाँ पे अगर चाहते हैं इन वीडियोस को देखना, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करें देखें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के आईडीज ये हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।